गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। हम अपना चैप्टर 5 रीड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मुगल आर्किटेक्चर, गार्डन, टॉम्स एंड गुंबद, जो मुगल भवन निर्माण कला थी, बागीचे, मकबरे और किले। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां वर स्पेशली पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद रेक्टेंगुलर वॉल्स एंड क्लोजर्स एंड डिवाइड इंटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। देखो, मुगलों के अधीन जो भवन निर्माण कला है वो कठिन हो गई, जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां कला साहित्य और भवन निर्माण कला में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, रुचि रखते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में ये बताया है कि वो मतलब गार्डन्स बनाने में काफ़ी रुचि रखता था। ये जो गार्डन्स थे वो रेक्टेंगुलर वॉल से घिरी हुई होती थी और इनको चार भागों में बांटा हुआ रखा था। और इन चार भागों में क्या होती थी, आर्टिफिशियल कृत्रिम चैनल्स या फिर पानी का के सोर्स लगे होते थे, ठीक है। दीज गार्डन्स वर कोल्ड चार बाग फोर गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स बिगनिंग विद अकबर। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर, शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। ये जो गार्डन्स थे इनको चार बाग कहा जाता था। चार बाग मतलब इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको एक समान सिमेट्रिकल मतलब समान हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। अकबर के साथ साथ जहांगीर और शाहजहां ने भी कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बहुत सुंदर चार बागों का निर्माण करवाया। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम फॉर इंस्पिरेशन। अकबर्स आर्किटेक्चर टू द टॉम्स ऑफ द सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर, द सेंट्रल टावरिंग डॉम एंड द ट्रोल गॉटवे कॉल्ड पिस्टाक बिकेम अकबर के काल में जो भवन निर्माण कला थी उसमें बहुत सारे नएपन देखने को मिले। प्रेरणा के लिए अकबर के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने, जो कि सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे, जिनका सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर था, उसका मकबरा बनवाया गया। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल गेटवे, इसका जो सेंट्रल टावरिंग डोम मतलब गुंबद था और बड़ा लंबा दरवाज़ा होता है जिसको पिस्ता कहा जाता था, ये मुगल भवन निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं बन गई। इसके साथ साथ पहली बार ये भारत में हुमायूं के मकबरे में देखा गया। द टॉम वॉज प्लेस इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चार बाग बिल्ट इन ट्रेडिशन नॉन एज एट पैराडाइज अस्त विशेष सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई एट रूम्स। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंड स्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल। जो गुंबद था उसके चारों ओर चार बाग बनाए जाते थे और एक परंपरा के साथ बनाया जाता था जिसको एट पैराडाइजेस या फिर हस्त विशिष्ट कहा जाता था। मींस एक बड़ा हाल जिसके चारों ओर आठ बड़े कमरे होते थे। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता था इसमें लाल चूने का पत्थर इस्तेमाल किया जाता था और किनारों पर सफ़ेद मार्बल लगाया जाता था। हुमायूं टॉम वॉज बिल्ट बाई हिज विडो ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिज सन अकबर। इट इज़ अ फाइन ब्लेंड ऑफ हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर। इट हैज़ लार्ज सेंट्रल डोम ऑफ वाइट मार्बल विद फोर octagonal towers and kiosk of red sandstone। अब देखो, जो हुमायूं का मकबरा था ये उसकी विधवा के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा अकबर के शासनकाल में बनवाया गया। ये हिंदू और इस्लामिक कला का एक अच्छा मिश्रण है। इसका जो बड़ा सेंट्रल डोम गुंबद है वो सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है और इसके आठ टावर्स हैं, इसके चारों तरफ चार टावर हैं, ऑक्टेगनल टावर मतलब आठ कोने वाले टावर हैं, और एक कियोस्क मतलब एक छत्र बना हुआ है जो कि लाल चूने के पत्थर से बना हुआ है। एन इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉम इज द स्लाइटली बल्बस शेप ऑफ द सेंट्रल डॉम। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो रुचिकर जो विशेषता है कि वो इसका डोम गुंबद है जो बल्बस शेप या फिर बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये शेप पर्सिया में ज़्यादा कॉमन है और पहली बार हुमायूं के जो मकबरा था उसमें
दिखाई दी। एट द टॉप टॉप पर अरबी अरब स्पायर रखा जाता है, नॉट हिंदू कलश। जैसे हिंदू मंदिरों में कलश रखा जाता है, वैसे मकबरों में अरेबियन स्पायर या शिखर रखा जाता है। ठीक है, शाहजहाँ द प्रोलिफिक बिल्डर, शाहजहाँ के बारे में रखेंगे, जो एक विशेष निर्माता था। ठीक है, जिसे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ मुगल आर्किटेक्चर रीच एज जेनिथ। हिज रेन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन एज ऑफ मुगल मैग्निफिकेंस। मेजर फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर अंडर हिम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। अब शाहजहाँ के शासनकाल में जो मुगल भवन निर्माण कला थी वो अपने शिखर पर पहुंच गई। उसके शासनकाल में को एक स्वर्णिम युग कहा जाता है, या फिर एज ऑफ मैग्निफिकेंस मतलब शान का युग कहा जाता है। उसके समय की जो भवन निर्माण कलाएं थीं, यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन सेंट्रल एशियन एंड पर्शियन स्टाइल, भारतीय एशियन मध्य एशियन और पर्शियन स्टाइल्स का एक अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मार्बल, मार्बल का ज़्यादा इस्तेमाल, प्रेफरेंस फॉर बल्बस डोम्स एंड कर्व्ड लाइंस इंस्टेड ऑफ रेगुलर शेप्स, रेक्टेंगुलर शेप्स की बजाय जो उभरा हुआ गुंबद है और उसकी कर्व घुमावदार लाइनें हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। इलाबोरेट ऑर्नामेंटेशन थ्रू द टेक्निक ऑफ पित्रादुरा, जो पित्रादुरा की जो तकनीक है उसमें ज़्यादा मात्रा में ऑर्नामेंटेशन मतलब सजावट पर ज़्यादा जोर दिया गया। आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स या फिर भवन निर्माण से संबंधित उपलब्धियाँ। फाउंडेड द सिटी ऑफ शाहजहाँबाद, उसने शाहजहाँबाद शहर का निर्माण करवाया जो कि आधुनिक दिल्ली है, पुरानी दिल्ली 1638 में, और अपनी राजधानी आगरा से यहाँ शिफ्ट कर ली। उसने शाहजहाँबाद में लाल किले का निर्माण करवाया। ये क्या थी, इसमें बहुत सारी प्रशासनिक इमारतें थी, महल था, एक गैरिसन शस्त्रागार था जिसमें शस्त्र रखे जाते हैं। एंड आर्सेनल इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वाज कंप्लीटेड इन 1648। आर्सेनल बनवाया गया लाल चूने के पत्थर से और 1648 में इसका निर्माण पूरा हो गया। इस बिल्डिंग द टू मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विद इन द फोर्ट आर दीवाने खास एंड रंग महल। इसमें ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग थी वो थी दीवाने खास और रंग महल, जो प्रसिद्ध पिकॉक थ्रोन या फिर मयूर सिंहासन था जो सोने और महंगे रत्नों से जड़ा हुआ था यहाँ पर रखा गया। जामा मस्जिद भी शाहजहाँबाद में ही बनवाई गई। ताजमहल ही शाहजहाँ ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चुरल अचीवमेंट। जो ताजमहल था वो शाहजहाँ का सबसे अच्छा महानतम उपलब्धि थी। इट इज़ अ मुजोलियम बिल्ट इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। जो ताजमहल था वो एक समाधि थी जो उसने अपनी मरी हुई वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाई थी। सिचुएटेड इन गार्डन, ये गार्डन में स्थित था। जो ताजमहल है वो पित्रादुरा की जो शैली है उसको दर्शाता है और ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। इसके निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इसके जो मुख्य निर्माता थे या फिर आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये सिमेट्रिकल बिल्डिंग मींस एक समान तरीके से बनाई हुई एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया आगरा में शाहजहाँ ने। ही वॉज नोटेबल पैटर्न ऑफ गार्डन, वो एक प्रसिद्ध संरक्षण था बागों का। उसने श्रीनगर और लाहौर में भी गार्डन बनवाए। बेटा यहीं तक पढ़ेंगे, पढ़ें डाउट्स और डाउट सेक्शन में या फिर लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडीइंग एंड हैव अ नाइस डे।